हाय लिसनर्स, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। मैं पीयूष कुमार और आज हमारे साथ हैं खेल और खिलाड़ी में ज्योति बरेट, जो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाय ज्योति। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो ज्योति, ये बताओ कि खेलना आपने कब से शुरू किया? स्पोर्ट्स तो मैंने बहुत बहुत टाइम से खेल रही हूँ। अब जब से मैं छोटी थी तब से मैं एथलेटिक्स में बहुत भागती थी, 200 मीटर्स 400 मीटर्स, और वो तो छोटे से ही। और फिर उसके बाद मैं सीरियसली, मतलब क्लास 8 से मैं हॉकी खेलती थी। ओके। मैं अपने स्टेट के लिए खेलती थी स्कूल, और मैं काफी सीरियस थी हॉकी को लेके कि मैं एक दिन इंडिया के लिए हॉकी खेलूंगी, मगर फिर वहां से मेरा शिफ्ट हो गया फुटबॉल में। जैसे आपने भी बताया आप इंडिया हॉकी खेलना चाहती थी, तो शिफ्ट मतलब फुटबॉल क्यों चूज किया फिर आपने? कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आप में डेवलप हुआ? हाँ, बहुत स्ट्रेंज है एक्चुअली। मैं एक दिन, 2002 वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, तो मैं ऐसे ही टीवी पे देख रही थी और बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते थे उसमें एक एड आया था जहाँ पे ये वो फ्री स्टाइल दिखा रहे थे फुटबॉल के साथ। okay. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी एक, उस टाइम मेरे पास फुटबॉल नहीं था, मेरे पास एक टेनिस बॉल ही था, तो मैंने उस टेनिस बॉल को लेके मैं बाहर गई और मैंने ट्राई किया मेरे से कितने होते हैं, और ऐसे ऐसे शौक, ये पूरा शौक बन गया मुझे कि मुझे 100 से ज्यादा, मतलब ये जगलिंग करना चाहिए। तो कब आपने प्रोफेशनली, कब से डिसाइड किया कि आपने फुटबॉल खेलना है? कॉलेज से, मैं एक्चुअली दिल्ली में कॉलेज में आई, फिर वहां से मैं, फिर भी उस टाइम तक जगलिंग में मेरा शौक था मगर मैं हॉकी खेलती थी। okay. और उसके बाद फिर किसी ने बोला कि अगर आप ये कर सकते हो तो आप फुटबॉल खेलना ट्राई कर लो। ट्राई करो। हाँ। ओके। तो इस चीज में फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से ही मुझे, बहुत। जब भी मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करती थी तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाते थे कि अगर मुझे 99% भी मिलता ना, वो उतना खुश नहीं होते उससे। ओके। तो फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो ज्यादा ही सपोर्ट करता होगा, जैसे हर एक कोई नहीं करता, कोई एक ही होता है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपको? हाँ जी, मेरे पापा एक्चुअली वो भी रनर रहते थे जब। ओके। और उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो उनका करियर खत्म हो गया था, तो हमें, मुझे देखते हुए उनको ऐसे बहुत अच्छा लगता था, उनने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि जैसे आप इंडिया खेले, उससे पहले आपने क्लब लेवल मैचेस, लीग मैचेस भी खेले होंगे, तो डिफरेंस आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सी, दिल्ली में हमने लीग खेला है और स्टेट के लिए भी खेला है, और दिल्ली में जो लेवल होता है थोड़ा कम होता है, दिल्ली में स्टैंड आउट होते हैं। Okay. अगर आप अच्छे होते हो आप अलग दिखते हो दिल्ली में, मगर जब आप इंडिया 11 में जाते हो तो वहाँ बहुत हार्ड वर्क करना है ताकि आप स्टैंड आउट होए। वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, स्पेशली मणिपुर से। okay. और उड़ीसा से, ऐसे स्टेट से, और वहाँ पे हर दिन, मतलब एक हर मिस्टेक देखा जाता है, और बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे जब सिलेक्शन के लिए जाते हो, और बस आपको बस करना है वहाँ पे, दिखाना है, और अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो फिर आप टीम में नहीं हो, ऐसे होता है। और ये बताइए, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, फुटबॉल और एजुकेशन को किस तरह बैलेंस किया आपने? मैं एक्चुअली गुड स्कॉलर थी, मैंने काफी अच्छे नंबर पाए, मगर मैं हर, जिसमें एग्जाम्स भी चलते होते थे, मुझे ऐसा, ऐसी बेचैनी होती थी कि मुझे 1 घंटा तो बाहर निकलना ही निकलना है, और उस टाइम में मैं प्रैक्टिस करती थी या भागती थी या ऐसे कुछ, तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ, मतलब स्टडीज को छोड़ के मुझे स्पोर्ट्स लेना है। ऐसे ही मेरे ब्रेक में मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, और स्टडी में जो जितना, जैसे मैं आधा घंटा डाल रही हूँ स्टडीज में, तो वो पूरा आधा घंटा मैं उसमें ही डाल देती, मैं उस टाइम नहीं सोचती कि मुझे अब जाना है। okay. तो ऐसे काफी मुझे ईजी लगा दोनों को साथ साथ करना। That's really good. और ये बताओ, जैसे फुटबॉलर के लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है, हर कोई भी फुटबॉलर है उसके लिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन है उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, तो फिट रहने के लिए क्या वर्कआउट्स करते हो, कैसे प्लान आउट करते हो उन चीजों को, और डाइट क्या कंटेन करते हो आप? एक्चुअली मैं पर्सनली, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर। ओके। तो मैंने बहुत डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बहुत पढ़ा है, और मैंने पूरा डिग्री पाया है उसमें,
तो मैं जितना भी मेरा नॉलेज है मैं अपने आप पे भी ट्राई करती हूँ पहले. ओके. और मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम से 2 आवर्स. और इसमें मैं वेट ट्रेनिंग बहुत करती हूँ. वेट ट्रेनिंग के साथ में मुझे, मेरे लिए लगता है कि फुटबॉल जैसे गेम के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आप बॉडी के साथ कर रहे हो काम. तो वेट्स के अलावा मैं बहुत फंक्शनल मूवमेंट्स करती हूँ, बर्पीज, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब. और लेग्स पे बहुत काम करती हूँ, लेग्स पे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये सब. लेग्स तो मैं हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करती हूँ. और इसके अलावा डाइट मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, मतलब मीठा मैं, मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे कम, मैं कम कर खाती हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ डे मुझे मेरी परफॉर्मेंस में बहुत, मुझे दिखता है, मुझे फील हो जाता है अगर कुछ गलत खा लिया तो अगले दिन वैसा वो परफॉर्मेंस नहीं आती है. बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट. सही बात है. ओके. अच्छा, बहुत एजुकेशन की बातें कर ली हमने, बहुत फुटबॉल की भी हो गई. ये बताओ रिलैक्स करने के लिए क्या करना पसंद करते हो? मैं मूवीज देखना पसंद करती हूँ. किस तरह की मूवीज? मुझे स्केरी मूवीज पसंद है. ओके. और मिस्ट्री के जैसे ऐसे मूवीज पसंद है. ओके. जैसे मतलब सस्पेंस टाइप. सस्पेंस टाइप. तो कोई ऐसी मूवी जो पसंद आई हो रिसेंटली? रिसेंटली तो कुछ ऐसे नहीं देखा है, ऐसे बन नहीं रहे आजकल. तो कोई एक्टर बता दो अपना. इंडियन एक्टर? या मुझे फरहान अख्तर बहुत अच्छे लगते हैं. ओके. और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण. एवरीवन इज, सबको दीपिका पादुकोण पसंद है, वो स्पोर्ट फील्ड है, मतलब बहुत फिट है वो. चलो बहुत अच्छी बात है. और खाने का मैं क्या पसंद? खाने के बहुत शौकीन होते हैं जैसे आपने बताया, वैसे मीठा पसंद है, पर उसके अलावा कुछ खाने में स्पेशल? स्पेशली अगर मैं डाइट पे हूँ या नहीं हूँ? नहीं हूँ. नहीं हूँ तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. Okay. मुझे पेस्ट्रीज हर टाइप की बहुत पसंद, केक. मतलब पसंद मीठा ही है. मीठा मैं, मतलब अगर मेरी ऐसे चली तो मैं सब कुछ में चीनी डाल देती. Okay. मुझे मीठा खाना, लोग मुझे बोलते हैं कि आप गुजरात से तो नहीं हो. मुझे बहुत मीठा मतलब खाना पसंद होता है. और ये बताओ कि जैसे अब आप इंडिया खेले हो, तो जूनियर लेवल पे जो लड़कियां खेल रही हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो? हाँ जरूर, कि बस आप, पता है लोग जूनियर लेवल पे कई बार सोचते हैं कि इतने लोग हैं ऊपर, उनके ऊपर, कि उन्हें कभी देखा नहीं जाएगा या चांस नहीं मिलेगा. ऐसा कभी नहीं होता है. आप हर जूनियर को चांस मिलता है. और मुझे लगता है कि उनको बस एक बार दिखाना है अपने आप को, और ये ट्रेनिंग और मतलब हार्डवर्क से ही होएगा. और उसके बाद जब वो मतलब दिखाएंगे तो उसके बाद रास्ता साफ दिख जाएगा उनका, मतलब सीनियर फिर कंट्री के लिए खेलना. तो उनको ऐसे गिव अप कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं होएगा. अगर मेरे लिए हो सकता था तो किसी के लिए भी हो सकता है. चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. सो लिसनर्स, ये थी ज्योति बरट जो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर रही है. सो लिसनर्स, कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो द्वारका, अ स्टेप टुवर्ड्स टुमारो.